भी भिकमंगे चप्पल चोर और क्या देख लिया क्या देख लिया तुमने जो उल्टी आ गई तुम्हें डालडा देख लिया क्या डालडा पूरी तल्ली थी जिसमें एक बार सोचो क्या था मैंने तो खाई नहीं थी पूरी तू ले खाई वो पूरी एक बार सोचो क्या था रंग कैसा रंग था थोड़ा गिल गिला पीला पीला सा इसे कांच के पुल पे किसी दुकान पे लगवा दो सिर्फ जर्मनी लाए क्या नहीं तेरी फोटो भी डाल दी मैंने चेक इंस्टाग्राम पे सुन वही बैठा था एमसी स्टैंड के लिए बस्ती का इस्तीका ले कोई नीचे बस्ती है वो जी टाउन ब्रो जी टाउन नमस्ते भाई अरे कल अबे यार भाई कल लो तुम क्या दिक्कत ले रहे हो सरवन्नी भाई हम तुम्हारे कौन से सर सर होते इंग्लिश सुन तो लो बस एक काम कर दो तुम क्या काम था चिराग भाई हाँ वाईफाई करवाओ यार मुझे व्लॉग डालना है अपना वाईफाई कैसे ज्वाइन होएगा भाई का नाम अच्छा है क्या नाम है मोमराज मोमराज हेलो सर मैं कहाँ है तू हाँ फोन में कनेक्ट कर रहा हूँ किसके नाम पे रूम हाँ जी आंटी के नाम पे शायद उनका पीछे का नाम डालो और रूम नंबर डालो जिस जो भी रूम नंबर सेट हो अच्छा चल मैं देखता हूँ चलो भेज रहा हूँ उसका पूछा था चिराग है? चिराग मैं रैपट बजा दूंगा मेरे से क्यों ले रहा तू पंगे बाजी देख अच्छा नहीं लगता यार नहीं लगता तो नहीं लगता है ना एक नई चकन और मिल गई है बड़े होटल में पहली बार आए हैं सारे फाइव स्टार होटल में यहाँ पे बेचारे बाथरूम में पता नहीं क्या चुतिया पे कोई भी जो जाएगा वॉशरूम वो पहले यहाँ से सब कुछ दिख रहा है चिराग भाई को पोटी आ रही है और वो जा नहीं पा रहे बेचारे लो कोई आ गया ये अंदर से ब्लाइंड नहीं हो सकते मैं यार सर को भी बात करता हूँ सर भाई वीडियो बना रहा है यार मैं अच्छा लगता है क्या होटल में खराब हो रहे हैं मैं सर को भी बोलता हूँ आप प्लीज बोलिए यात्रा से बाहर निकाल दीजिए मुझसे भाई नहीं सुना भाई कुछ करवाओ यार सही कह रहे हैं कुछ करवाओ इसका ठीक है चलो तो भाई अपने साथ एक बीटी हो गई बहुत बड़ी पोपट हो गया ऐसा हुआ कि सब पे तो इंडियन वियर है मैं जो अपना कुर्ता लाया था वो मेरे फंस गया वो रखा हुआ था मेरा मैंने सोची वो आ जाएगा मैं लेके चलते था मैंने ट्राई नहीं करा चार महीने पहले आ रहा था अब आ नहीं रहा यहाँ से फंस गया अब ये शर्ट पहननी पड़ी फिर चलो कोई बात नहीं हाल तो हम इसमें भी स्मार्ट लगते हैं चलो भाई वो दे दो मुझे बस बहुत लेट हो चुके हैं मेहंदी का प्रोग्राम चल रहा है वैसे आप देख सकते हैं सब लेडीज़ मेहंदी लगवा रही हैं बट वैसे भी मेहंदी में काम होता नहीं है लड़कों का तो फिर भी यूट्यूब फैमिली के लिए थोड़ा सा बनाना पड़ता है कंटेंट चलो कुछ खा लेते हैं चिराग भाई और भैया हो रहे कुर्ते में और मैंने तो वो पहन ली शर्ट और वाइट पैंट तो अपन कुछ इस लुक में चलो भैया भोजन ग्रहण करते हैं और तुम्हारे भाई डिज़ाइनिंग वाली प्लेट तुम्हारे भाई की तुम्हारे भाई ने अभी बनाया मास्टर शेफ बन गया चलो यार मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए लेके आओ है नहीं स्मार्ट आज तो पहली बार स्मार्ट लग रहे हो दोनों मैं तो पता नहीं क्या ही पहन लिया मैंने तो चल यार कोई नहीं खाना खाते हैं उसके बाद करते हैं वन ऑफ आवर फेवरेट डिश स्वीट सबकी मनपसंद उधर कर इसको तू भी कर ले अटेंड ही करेगा अपना भी अटेंड करवा दे अंधेरे में चश्मा तूने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई नहीं देखी क्या नहीं यानी देखी नहीं तूने
अक्सर काले काम करने वाले लोग अंधेरे में रहते हैं। ध्यान देखिए बेटे, रेमो आ गया। रेमो डिसूजा इन द हाउस। हल्दी आज क्यों लगा दी इन्होंने? ये होता है ना जो हमारे में नीच वाला होता है कल, वैसे हल्दी का कल है जो खेली जाती है ना, तो वैसे होता है गेम्स वगैरह खेलते हैं वो कल होगी। सो गाइस अब हम निकले हैं अपना कुछ सामान लेने, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यूपी की शादियों में अधिकतर मिलता है जो गुजरात में बैन है। तो भैया सीन ऐसा चल रहा है कुछ, पहले तो डाकू भैया के भैया को लिया है हमने, अब फिर हम आधे रास्ते वापस आ गए थे होटल के, अब फिर से वापस जा रहे हैं और डाकू भैया का कोई फ्रेंड आ रहा है उसे लेना है, तो वहीं तो रेल बननी पड़ी है। ये भैया हमारे पारस भाई हैं, उनसे भी लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ जी जीतो जी, कैसा लग रहा है? दोबारा बताओ स्टोरी पूरी, नहीं भी बताओ ना तुम बताओ। अरे मैं अपने दोस्त के साथ गया था गोवा। क्या नाम? ललित। हाँ तो उसने बहुत देर हो गई, केकड़ा पकड़ के तुमने कहाँ रख दिया? बिसलेरी की बोतल में डाल दिया उसने। अब वो बड़ा था तो 10-15 मिनट हो गए, मैं सो के उठा, उससे बात कर रहा हूँ नशे में। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा कुछ ना, बात कर रहा हूँ इससे। मैंने कहा क्या हुआ, क्या कह रहा? फिर ये कह रहा बाकी सब तो ठीक है, बस थोड़ा मुंडे में प्रॉब्लम हो रही है। मुझे कैजुअल ऐसे पहनना था कपड़े, तो मैंने ऐसा कुछ पहन लिया। आओ चिराग भाई, कहाँ हो तुम? चिराग भाई देखो कितने स्मार्ट लग रहे हैं हमारे, ये जवानी है दीवानी। रणबीर कपूर को भी फेल कर दिया मेरे भाई ने आज। चलो जल्दी ये जो खड़े हो यार, मुझे कितनी, मैं कितना सेक्सी लग रहा हूँ बेल बॉटम में। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, अभी अभी बाकी है, लोग चल रहे जी, सब फैमिली बैठी है, हम सारे भाई यहाँ बैठे हैं। तुम क्या करोगे पूजा में? तुम क्या कर, तुम कोई बड़े हो, बुजुर्ग हो तुम तुम कुछ लायो इनके लिए देने के लिए जो जा रहे हो? 1000 का लिफाफा जाएगा। जाएगा जब जाएगा, जब देख लेंगे वीडियो बना देंगे। क्या पट्टी पड़ा, क्या हो गया? अबे लगाओ, बढ़िया लग रहा है तुम्हारी कसम, अबे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फिल्म बन गई, फिल्म बन गई थी तेरा यार, मेरा यार मतलब ये। चिराग भाई भूख लग रही है यार, चिराग भाई और मुझे भूख लग रही है, अभी तक खाना स्टार्ट नहीं हुआ है। चिराग भाई भूख भाई यार लगा दो खाना, भूख लग रही तुम्हारी कसम यार। कितनी देर में लग जाएगा खाना? कितनी देर में लग जाएगा? 9 बजे तेरी। Alright guys, this was our time and we'll be back. इस बार आएंगे डांस करेंगे। Ready? क्या? ये लाइट सब डीम हो गए ना। सेलिब्रिटी हो तुम ना? दिल्ली जाके दिखाऊंगा स्पॉटलाइट। तो भाई सबसे पहले आकाश आपको ये पूछना है कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, why Riddhi? I just want to know a qualities ना, ये तुमने पण पूछी है, not Riddhi, no one else. Okay, if no Riddhi, no one else, तो भाई एक ही सेंट तो यार भाई बता, अपना जामनगर ना बता क्या जो उन तो अटलू हम तो आखो दिवस अटलू बक बक करे यार, आज के मानो मोटू सिवाय दियो।
एकदम बंद हाँ पर सभी की